सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे भाई राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड को लेकर, जो एक आप लोगों देखोगे जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर की कंपनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आज आपने देखा होगा अभी स्टॉक में जो है एक बिग फॉल बना है। ठीक, अभी के टाइम तो जो शेयर है वो आपको लगभग 6% के हैवी करेक्शन पर दिखाई दे रहा है, लेकिन स्टॉक नीचे में 402 रुपये तक जो है अभी आ गया था। ठीक है, आज स्टॉक ने 402 रुपये का नीचे में एक फ्रेश बाउंड वीक लो बनाया है। और ऐसे में बहुत सारे निवेशकों के कमेंट आ रहे हैं, क्या ये स्टॉक फिर से अपने बाउंड वीक हाई जो 1029 रुपये के आसपास था, जो इन्होंने आई थिंक फरवरी मंथ में लगाया था भाई, और फरवरी मंथ से लगातार जो शेयर है वो टूट रहा है और अपने बाउंड वीक हाई से आप लोग देखोगे लगभग ये 60% प्लस टूट चुका है अभी, 60-65% के आसपास। तो बहुत ज़्यादा हैवी करेक्शन स्टॉक में हुए। तो निवेशक पूछ रहे हैं बार बार, क्या स्टॉक में फिर से रैली बनेगी, क्या ये स्टॉक फिर से 1000 रुपये के जो लेवल है वो टच कर पाएगा या फिर नहीं, क्या स्टॉक में फ्रेश एंट्री का टाइम है या फिर नहीं। तो बहुत सारे निवेशकों के कमेंट, देखो भाई फ्रेश एंट्री लेनी या नहीं लेनी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो चार्ट्स के ऊपर इसके मूवमेंट्स बन रहे हैं वो आपके साथ जरूर साझा करेंगे, क्योंकि पीछे भी आपने देखे होंगे स्टॉक ने जब जब हाई लगाए उसके बाद स्टॉक में एक फॉल बना है, लेकिन अब की बार एक हैवी फॉल आ चुका है भाई। ठीक है, पीछे इतना बड़ा फॉल नहीं बना है, लेकिन अब की बार एक हैवी फॉल आ चुका है जिसका इफेक्ट स्टॉक के ऊपर जो है अभी थोड़ा और दबाव बढ़ा रहा है। तो चलिए जानते हैं डिटेल में, गिरावट के पीछे का रीजन तो आपको पता ही होगा भी आखिरकार स्टॉक क्यों टूटे हैं। अगर नहीं पता है तो चलिए आपको दिखाते। तो कल के दिन कंपनी ने अपने जो Q2 के नंबर वो डिस्क्लोज किए थे, तो रिजल्ट्स कैसे आए हैं वो हमारी सुबह की वीडियो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन यहाँ पर आप लोग देखोगे जो Q2 में प्रॉफिट्स टूटे हैं ना, ड्रॉप हुए, वो है 87.9%, यानी कि लगभग 88% के करीब ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिट्स इसके टूटे हैं। उसके बाद रिवेन्यू जो फॉल हुआ है वो आप लोग देखोगे 52.6% जो रिवेन्यू इसका वो फॉल होते हुए नजर आया। तो इतना हैवी अगर लॉस कंपनी को होगा, प्रॉफिट्स टूटे हैं, रिवेन्यू टूटे हैं, तो उसका असर स्टॉक के ऊपर आएगा। लेकिन एक मज़ेदार बात यह है कि अभी भी आप लोग देखोगे इसकी जो ऑर्डर बुक है ना वो बहुत ज़्यादा मजबूत है भाई। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, चलिए आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कंपनी ने कल अपने Q2 के नंबर डिस्क्लोज किए थे और इसी रिजल्ट्स में कंपनी ने अनाउंस किया था कि इनकी जो ऑर्डर बुक है वो कैसी है। तो यहाँ पर आप लोग देखो जो ये नोट्स है ना भाई, इसके अंदर देख सकते हो थर्ड कॉलम में हमें क्या देखने को मिल रहा है, द ऑर्डर बुक पोजिशन एज ऑन 30 सितंबर 2023, यानी कि 30 सितंबर तक जो इसकी ऑर्डर बुक है वो आप लोग देखोगे लगभग 46,231 करोड़ की है। अगर मिलियन में है ये तो देखो भी टोटल नंबर 4,62,315 मिलियन है, करोड़ में कन्वर्ट करें तो 46,231 करोड़ 50 लाख के आसपास बैठती है। तो इतनी हैवी ऑर्डर बुक है। ठीक है, ऐसे में स्टॉक के ऊपर थोड़ा इसका भी आने वाले टाइम में इफेक्ट रहेगा। ठीक है, लेकिन कंपनी के पास आगे के लिए काम है, ये अच्छी बात है। अभी के टाइम स्टॉक में बिग फॉल है, इस बिग फॉल में क्या इन्वेस्ट करना सही है या फिर नहीं, चलिए वो देख लेते हैं चार्ट पर। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे हमने निकाला भी इसका वीकली टाइम फ्रेम चार्ट। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पर आप लोग देख सकते हो भी पीछे भी स्टॉक के अंदर ये मूवमेंट हमें बनते हुए नजर आए थे, एक हैवी लो स्टॉक ने बार बार दिया था भाई इन हाई पॉइंट्स से, आप लोग देख सकते हो खुद भी। ठीक है, यहाँ से स्टॉक टूटा था अपने हाई से, लगभग जो इसका हाई था ना यहाँ पर वो आप लोग देखोगे 740 रुपये के आसपास, वहाँ से स्टॉक टूटा और नीचे में 400 रुपये के लेवल दिखाए थे। हैवी लॉस हुआ ना भी, सीधा 50% के करीब तो यहाँ पर भी फॉल हुआ था। ये बात है अभी 2016 के आसपास की। फिर आती है बात 2018 में, 2018 में जो शेयर है वो फिर से आप लोग देखोगे भी 800 रुपये प्लस निकला, लगभग 872 रुपये के आसपास निकला था। फिर वहाँ से स्टॉक टूटा और नीचे में आया था भी 600 रुपये के आसपास, तो यहाँ पर भी एक बिग फॉल स्टॉक में बना। उसके बाद स्टॉक ने कंसोलिडेट किया, थोड़ी बहुत तेजी स्टॉक में बनी, फिर वहाँ से स्टॉक टूटा और नीचे में ये फिर से 400 रुपये के लेवल दिखाए थे। ठीक है, लगभग 800 रुपये के आसपास यहाँ पर भी पहुँचा और यहाँ से भी फॉल हुआ। उसके बाद यहाँ से स्टॉक में एक अच्छी शार्प रैली बनी जो कि 1000 रुपये के आसपास पहुँची थी। ये बात अभी 2022 में 1000 रुपये के लेवल होने के बाद स्टॉक फिर टूटा और नीचे में 500 रुपये के आसपास आ गया था भाई। ठीक है, 500 से आप लोग जब फिर से स्टॉक में रैली बनी, 1000 स्टॉक फिर निकला और 1000 से निकलने के बाद फरवरी के अंदर जो शेयर है वो फिर से डाउन आया। और अभी के टाइम आप लोग देखोगे जिस लेवल से स्टॉक बार बार सपोर्ट लेकर उठा है उसी भाव में स्टॉक अभी के टाइम है।
जी अभी के टाइम उसी भाव में देख सकते हो भी, लगभग स्टॉक 400 रुपये के आसपास जो है अभी पिछले 7-8 सालों से अगर देखें तो वहीं से जो स्टॉक है वो सपोर्ट ले रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बेस्ट सपोर्ट साबित हो सकता है 400 रुपये के आसपास का। अगर स्टॉक यहाँ पर बार बार सपोर्ट ले रहा है तो देखो भाई यहाँ से स्टॉक में फिर से रिकवरी आ सकती है। अगर जिस भी निवेशक की यहाँ पर होल्डिंग है फिर एंट्री लेने के बारे में सोच रहा है तो वो देखो भाई 370 रुपये का नीचे में सपोर्ट पकड़ के चल सकता है, या फिर 400 रुपये का भी सपोर्ट पकड़ के चलो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि स्टॉक ने इस लेवल के ऊपर बार बार मल्टीपल सपोर्ट आपको दिखाया भाई 400 की रेंज में आने के बाद, और यहाँ से स्टॉक डेफिनेटली आप लोग देखोगे 700-800 के लेवल आपको दिखाता है। तो अभी के टाइम 400 के भाव में है, लगभग अपने हाई से 52 वीक हाई से जो शेयर है वो हमें लगभग 60% की गिरावट में दिखाई दे रहे हैं। तो इतने हैवी करेक्शन के बाद स्टॉक में चांसेस है अप जाने के, अगर जाएगा तो 700-800 के लेवल पीछे के हिसाब से अगर देखें तो भाई आने की संभावना पूरी की पूरी है, ठीक है। तो यहां से अगर ये 700-800 ना जाने के बजाय 600 भी जाता है तो भी आप लोग देखोगे आपको 50% के करीब प्रॉफिट्स हो सकते हैं, तो रिस्क लेना आपके हाथ में। 370 का सपोर्ट बन रहा है, अगर करंट लेवल पर रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो, आपकी मर्जी है भाई, क्योंकि स्टॉक ने इस लेवल के ऊपर बार बार सपोर्ट दिखाए हैं मल्टीपल, अगर एक आध बार हो तो अलग बात है, अभी कम से कम 5-6 बार जो है अभी ऐसे मूवमेंट स्टॉक में बने हैं, यहाँ पर बना, यहाँ पर बना, फिर यहाँ पर आप लोग देखोगे यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो अब के बार जो है अभी 6th टाइम है। तो यहाँ से जो ना स्टॉक अगर अच्छा खासा रिकवरी देता है तो भाई ऊपर जाने के चांसेस है पीछे के हिसाब से अगर देखे तो, ठीक है, ऑर्डर बुक के हिसाब से अगर देखे तो चांस हो सकते हैं। ब्लड बाथ स्टॉक में आज जरूर हुआ है एक हैवी करेक्शन, अभी इस हैवी करेक्शन को देखते हुए स्टॉक में आप लोग एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो 370 रुपये का सपोर्ट नीचे में बेस्ट है। बाय होल्ड सेल मेरी तरफ से कोई ऐसी रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी डिसीजन लेना खुद की रिसर्च एनालिसिस। और यहाँ से अगर आप लोग इसके अंदर होल्डिंग करना चाहो तो देखो भाई कम से कम 2 क्वार्टर के लिए आपको स्टॉक होल्ड के चलना चाहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।